नूरपुर के साथ सभी किसानों के लिए एक सुखद समाचार है कि इस बार सरकार ने आम का समर्थन मूल्य 8.5 रुपए कर दिया है। ये कहना है नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया का। मीडिया को दी जानकारी में उन्होंने बताया कि इस बार आम का ऑन सीजन होने के कारण आम की बंपर फसल हुई है, लेकिन कोविड-19 के चलते बागवानों को अपनी फसल की सही कीमत न मिलने का डर सता रहा था। ऐसे में सरकार ने इन बागवानों को 8.5 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य का ऐलान कर उनकी चिंता को खत्म कर दिया। गौरतलब है कि जब भी आम की बंपर फसल होती है उस समय इनका भाव जमीन सूंघ जाता है और कई बार तो 2-2.5 किलो कीमत पर मंडियों ने इनकी बिक्री होती है। ऐसे में किसानों को लाभ होना तो दूर की बात, उनकी लागत भी उन्हें नहीं मिल पाती है। ऐसे में सरकार का ये ऐलान इन बागवानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। विधायक राकेश पठानिया ने बताया कि किसान बागवान देश की रीढ़ की हड्डी हैं और जब किसान बागवान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा और प्रदेश सरकार किसान बागवान की हितैषी सरकार है। उन्होंने कहा कि जहां दूसरे देश औद्योगिक क्षेत्रों पर निर्भर हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश होने के कारण कृषि और बागवानी पर ज्यादा निर्भर है। ऐसे में जब तक किसान बागवान के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तब तक प्रदेश की उन्नति के बारे में सोचना बेमानी होगा। हमारे आम के जिम्मेदारों के लिए, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मैं आदरणीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का बहुत आभारी हूं, दिल से उनको नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जो 8.5 रुपए आपने हमें जो है आम का जो मूल्य दिया है, स्पोर्ट प्राइस दिया है, सेब को भी 8.5 दिया और आम को भी 8.5 दिया। अब एक लग रहा है कि इस एक ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में जो ऊपर नीचे कुछ नहीं करती, बराबर का विकास हर जगह करने का प्रयास कर रही है और 8.5 रुपए पहली बार इतना बढ़िया जो है हमें, स्पेशली कोविड के दिनों में जबकि मंडियां बंद पड़ी हैं, व्यापारी बाहर से आ नहीं रहा और जिस व्यापारी ने हमें सही बधाई दी है वो भी नहीं आ रहा क्योंकि कोविड का पासिस का चक्कर है, कोई क्वारंटाइन करने का चक्कर है, उसके होते हुए 8.5 रुपए एचपीएमसी और एग्रो वाले जो है इसको उठाएंगे और जगह जगह जो है इसके सेल सेंटर्स बनना शुरू हो जाएंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आम जो है हमारे जिम्मेदार का जो है सरकार इसको उठा सके। 8.5 रुपए के हिसाब से अच्छा प्राइस हमें जयराम सरकार ने दिया है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से अपने हिमाचल प्रदेश के नूरपुर और कांगड़ा के जिम्मेदारों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आम की बंपर फसल जैसे इस बार है, कई बार उसका रेट नहीं मिल पाता था, तो ऐसे में एक बहुत बढ़िया स्टेप है। देखिए इस बार जितनी बड़ी अच्छी फसल है, बंपर क्रॉप है, तो हमें लग रहा था 2-3 रुपए किलो नहीं बिकेगा, इतना बुरा हाल था क्योंकि हमारी ना तो गाड़ी श्रीनगर जा पा रही है। अचारी आम का तो सीजन लगभग खत्म हो चुका है पर जो अब दशहरी और जो देसी आम है जो अब पक्के मार्केट में आ रहा है, आने वाले दिनों के लिए और आने वाले सालों के लिए तो ये अच्छी खबर रहेगी। पर अब की बार भी ऐसा लग रहा है जो जिम्मेदार भूखा मर जाएगा वो ऐसा नहीं होगा, सरकार उसके बचाव में उतरी है और जयराम जी ने जो ये एक उमदा कदम उठाया है हमारी तरफ, हमारे जिम्मेदारों की तरफ, हमारे किसानों की तरफ, वो उनको हमेशा दुआएं देंगे और हमेशा उनका प्रणाम करेंगे।